हेलो गाइस, तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है वाइन। क्रीपर तो नहीं है, ऊपर ही चढ़ती है ये सहारे से, जैसे मैंने थोड़ी सी ये वायर लगाई रही है। ये है वेरीगेटेड पोटैटो वाइन, स्वीट पोटैटो वाइन कहते हैं ना, तो वेरीगेटेड में है ये। पिंक और ग्रीन लीव्स हैं, इसमें पर्पल भी आती है, डार्क पर्पल प्लम कलर की, और ये एक आती है पैरेट कलर की। पैरेट वाली सूख गई थी और ये वाली काफ़ी चल गई है, और ये मैंने अलग लगाई है कटिंग से, देख रहे हैं आप, ये तो लगी है। तो मेन प्लांट ये है, ये रहा, और ये कटिंग से लगाई हैं, ये भी काफ़ी अच्छी इजीली चल जाती हैं। और ये साथ में ही थोड़ी जगह बची हुई थी पॉट में, तो मैंने सीजनल लगा दिए हैं। ये डायंथस है और इसकी फ्लावरिंग होने वाली है, पता नहीं किस कलर की फ्लावर्स निकलेंगे इसके। तो पानी वगैरह ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक ठीक ही दीजिए आप इस सीज़न में। और जैसे ये अपराजित आप देख रहे हैं, इसके पत्ते बिल्कुल पीले पड़ के झड़ गए हैं, कितनी सी रह गई, बिल्कुल छोटी सी रह गई हाइट की। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़े जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं शेड है ना, ऐसे शेड है, तो इसमें काफ़ी अच्छे चली है, कोई पत्ता नहीं गिरा इसका, और इवन की थोड़ी थोड़ी ग्रोथ इसकी चल भी रही है, नई पत्तियाँ टाइमली निकाल रही है। तो सर्दियाँ गर्मियाँ चलती रहती है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, नहीं तो कई प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी रुक जाती है, तो इसमें नहीं है। और कटिंग से आप लगा सकते हैं, छोटी सी कटिंग ही लगा सकते हैं, देख सकते हैं ये मैंने छोटी सी कटिंग लगाई हुई है, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं है, और फ्लावर वगैरह नहीं आते हैं इसके, ऐसी ही रहती है। और इस सीज़न में तो पता नहीं अब ये मिलेगी या नहीं, ये मैं गर्मियों में लेके आई थी, तो स्वीट पोटैटो वेरीगेटेड के नाम से है ये। और जो स्टार्टिंग की लीव्स निकलती हैं काफ़ी डार्कर पिंक में निकलती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं इसे। ये तो मैं पिकनिक के लिए ढूंढती जा रही। इधर देख रहे हैं आप टब में, ये तीन वैरायटियां लगाई हुई हैं, एक तो पेपर प्लांट है, एक नस्टर्शियम है, और ये पॉपी प्लांट ना काफ़ी मतलब कि होते हैं नाजुक से, आधे चले हैं आधे सूख ही रहे हैं। इधर एस्टर प्लांट्स लगाए हुए हैं, और ये वाला एस्टर प्लांट अब देख ही रहे हैं कितना प्यारा, और ना ये अभी लेके आई हैं, थोड़े 15-20 दिन पहले लेके आई हैं इसे, और थोड़े दिन पहले मैंने इसे रिपोर्ट किया है। कैसा लंबा सा प्लांट है, और फ्लावर देखिए कितने हैं इसमें, जैसे है ना, मतलब तीन तो ये हैं और आगे भी नीचे बर्ड्स ऐसे बन रहे हैं। और पतला छोटा सा प्लांट है, मतलब कि एक पॉट में अगर मैं तो कह रही हूँ 6-6, 7-7 प्लांट भी लगाए हो ना, तो ऊपर से पूरा भर जाता है। ये वाला भी है और ये वाला भी, ऐसे 3-3, 4 जगह फूल इकट्ठे निकालता है, नीचे से और भी बर्ड्स बने हुए हैं। और ये है, ये तो थोड़ा मतलब कि स्प्रिंग सीजन में चलेगी, अब जाके ग्रोथ हो रही है, वैसे कटिंग से बाहर भी लगाया है ये उधर, और निकाल के दी भी है मैंने कल परसों, ये देखो। और चल रहे हैं प्लांट्स, इसमें भी देखिए आधे प्लांट चल रहे हैं आधे सूख रहे हैं। इसमें वर्बीना था, और ये भी पेपर फ्लावर है, और ये वाले प्लांट डॉग फ्लावर हैं, और ये अभी तक फ्लावर ही नहीं निकले हैं, मतलब कि कैलेंडोला इसके साथ ही लाई थी मैं, सेम एज के हैं ये, और कैलेंडोला ने मतलब कि 2 महीने से फ्लावरिंग दे रहा है, और उस प्लांट को इतना टाइम हो गया है अभी तक कोई फ्लावरिंग नहीं आई है, और इसमें इतनी फ्लावरिंग हुई है ना कैलेंडोला में। अगर आपको भर भर के फ्लावरिंग चाहिए ना विंटर सीज़न में, तो कैलेंडोला तो ज़रूर होना चाहिए घर में। पेंजी वगैरह का भी ये है, पेंजी वगैरह कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, नीचे नीचे का होती हैं उसमें पत्तियाँ, तो ज़्यादा फंगस का अटैक लगने का डर रहता है, लेकिन चल जाते हैं वो भी, वैसे तो निकले हुए हैं। और गेंदा तो कहने क्या है, उधर आपने देखा ही था मेरे पूरे ऑरेंज की तरह थे बड़े बड़े, और इसमें बर्ड्स बनी हुई हैं, निकल जाएंगे। और ये डायंथस, इसके फूल निकले हैं, दूसरे इसमें भी जब निकल, इसको ना मैंने कट ऑफ करती रही हूँ इसके स्प्लेंट फ्लावर्स को मैं साथ के साथ, देख रहे हैं नीचे से भी कितनी निकल रही हैं इसके शूट्स, तो काफ़ी गुस्सी बन गए प्लांट ये, और कितने अच्छे फ्लावर्स हैं इसके, और इधर भी निकलने वाला है। किसने डांटा? कोई बात दीदी है बेटे, कोई बात नहीं। और इधर ना कॉलेज निकाल रही थी, उसकी स्टैम टूट गई थी तो इधर लगा दिया, इधर भी चल ही पड़ा है ये। और लहसुन के प्लांट भी अच्छे से चल रहे हैं, और इसका नाम नहीं पता क्या है, क्या हुआ काकू, क्या हो गया? और पोलिस भी देख रहे हैं आप, इसकी भी नई ग्रोथ चलती रहती है, बस ऊपर से ट्रिमिंग या पिंचिंग करते रहिए। ये सारी छोटी छोटी नई नई पत्तियाँ 3-3, 4-4 बन के निकल रही हैं अब, ऊपर से मैं टाइमली इनकी पिंचिंग करती रहती हूँ, अब तो सभी की हुई हुई है, करने की ज़रूरत नहीं है।
बस ये वाला रह गया, इसकी कर देते हैं थोड़ा सा। ये भी काफ़ी हार्ड स्टेम बन जाती है नीचे से, फिर जैसे कि ये पॉट तो आप देख ही रही हैं, तीन चार वैरायटीज हैं इसमें, काफ़ी हरा भरा पॉट है रंग बिरंगा। और ये ना इसके वाइट से अब सारे फ्लावर ऐसे हो गए हैं, सारे प्लांट्स इसके फूल मैच्योर हो गए हैं। तो अब जो नीचे की हैं और भी बर्ड्स बने हुए हैं, ये अब मुझे नहीं लग रहा अब खिलेंगे, अभी कोई खिल भी नहीं रहा। तो अब इसके साथ इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए बचाना है, या फिर इस सीज़न में भी हो सकता है दोबारा से फ्लावरिंग कर ले। तो इसका भी अब इलाज करते हैं। और ये है डेविल्स बैकबोन, इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, ऐसे लग रहा है जैसे रूट रोट हो गई है लेकिन हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैंने काफ़ी प्लांट्स निकाल के मैंने कब बच जाएँ दूसरे पॉट्स में लगा दिए हैं, पत्तियाँ ऐसी मुरझा रही हैं। तो इनको भी देख लेते हैं पिंच करके कि अब तो नहीं ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, पुरानी पत्तियाँ तो काफ़ी ऐसी हो गई हैं। और इधर एल्युमिनियम तो काफ़ी अच्छी चल रही है ग्रोथ, और एलोवेरा की भी काफ़ी अच्छी चल रही है, और इसकी भी चल ही रही है, क्या नाम है इसका, रिका पाम की भी। तो आज निकली है धूप थोड़ा सा, मैंने कहा देख लें प्लांट्स और आपके साथ कंडीशन शेयर कर दें, कि शेड के अंदर ही पड़े हैं, शेडी एरिया ये पूरा, सीधी डायरेक्ट इनके ऊपर ठंड पड़ नहीं रही है और हवादार जगह भी है। और ये नस्टर्शियम को देखते हैं कितना टाइम लगता है, और नस्टर तो देख ही रहे हैं आप। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और जल्दी मिलते हैं और वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।